नमस्कार। पिछले काफी वक्त से इलेक्ट्रिक कार की चर्चा हो रही है। भारत में भी जल्द ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। सालों पहले देखा गया सपना जल्द ही पूरा होता हुआ नजर आएगा। आपने इलेक्ट्रिक कारों को देखा होगा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की भी खूब चर्चा सुनी होगी। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपने कभी इलेक्ट्रिक हवाई जहाज के बारे में सुना है, अगर नहीं तो इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। दरअसल लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस ने इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जिसने एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। एयरक्राफ्ट को लेकर सामने आई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस विमान ने 3 किलोमीटर की ऊंचाई में ही 555.9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का रिकॉर्ड बना दिया। वहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन के दौरान एयरक्राफ्ट ने 623 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड हासिल कर ली थी। ये एयरक्राफ्ट 15 मिनट तक लगातार आसमान में उड़ता रहा। बता दें, इस विमान ने साल 2017 में सीमेंस ई एयरक्राफ्ट की 330 LE एरोबेटिक विमान का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसने 213.04 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरी थी। रोल्स रॉयस की तरफ से तैयार किए गए इस विमान का नाम स्पिरिट ऑफ इनोवेशन रखा गया है। बताया जा रहा है महज 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर ही इस विमान ने 3000 मीटर की ऊंचाई को पार कर लिया था। अब आपको इस एयरक्राफ्ट की खासियत के बारे में भी बताते हैं। दरअसल स्पिरिट ऑफ इनोवेशन सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट है। इसमें किसी भी विमान के मुकाबले सबसे ज्यादा पावर वाला बैटरी पैक दिया गया है। विमान 6000 सेल बैटरी पैक पर काम करता है और इसमें लगी इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 500 HP की पावर जनरेट करती है। रोल्स रॉयस ने बताया कि ये एयरक्राफ्ट 300 मील प्रति घंटा की टॉप स्पीड से उड़ सकता है। ये तो रही विमान की बात, अब जरा ये बताइए कि क्या आपने कभी भयंकर जाम में फंसे हुए ये सोचा है कि काश सबके बीच से उड़कर मेरी गाड़ी आगे निकल जाए? अगर सोचा है तो आपकी ये सोच भी अब सच होने जा रही है। जी हाँ, खबरें हैं कि रोल्स रॉयस एयर टैक्सी डेवलप करने जा रही है। इसको लेकर फिलहाल काम शुरू हो रहा है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलने वाला है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।